अहलकार नजरअंदाज। महकमे की बेहिसी, रहमान टाउन का रिहायशी पुलिस अहलकार हेपेटाइटिस सी में मुब्तला, जिंदगी और मौत की कश्मकश में पुलिस अहलकार इलाज का मुंतजिर है। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद शहजाद खान की ये रिपोर्ट। मीरपुर खास रहमान टाउन का रहायशी जुम्मन खास खेली स्पेशल ब्रांच मीरपुर खास में ड्राइवर की हैसियत से कई सालों से अपनी जिम्मेदारी एहसन अंदाज से निभाता रहा था। कई माह से हेपेटाइटिस सी के मर्ज में मुब्तला होकर बिस्तरे मर्ग पर अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। पुलिस अहलकार की बीमारी में महकमा पुलिस की जानिब से अपने सिपाही के लिए कोई भी अफसर दादरसी के लिए नहीं आया। गुर्बत और मुफलिसी के सबब जुम्मन खास खेली अपना इलाज कराने से कासिर है। जुम्मन खास खेली जो कि चार बेटों और दो बेटियों, बीवी और माँ का वाहिद सहारा था, जो कि आज खुद उनके लिए बोझ बन चुका है। जुम्मन खास खेली सारा दिन घर के कोने में चारपाई पर बेबसी की तस्वीर बना अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। जुम्मन खास खेली की माँ ने बताया कि मेरे शोहर के इंतकाल के बाद जुम्मन खास खेली मेरे घर का वाहिद सहारा है। जुम्मन खास खेली की बीमारी में घर का तमाम कीमती सामान फरोख कर चुके हैं, मगर अफसोस अपने महकमे के लिए अपनी जिंदगी देने वाला जुम्मन खास खेली की जिंदगी बचाने के लिए कोई भी अफसर हमारी दादरसी के लिए नहीं आया। जुम्मन खास खेली की बेटी फायजा ने बताया कि वालिद की बीमारी की वजह से तालीम भी छूट गई है। घर में वालिद की बीमारी की वजह से नौबत फाकों तक पहुँच गई है। बीमारी में मुब्तला जुम्मन खास खेली ने हुकूमत और महकमे के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि इसकी बीमारी का इलाज कराया जाए ताकि मैं घर और अपने बच्चों की किफालत कर सकूं। मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1, मीरपुर।